नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। दंगों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? पहले दादरी और अब मालदा, सवाल कई हैं। आखिर क्यों मालदा हिंसा के बाद विपक्ष की एंट्री को बैन किया गया? क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है? ये वो सवाल है जिन पर सियासत पूरी तरह से गर्म है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि दादरी मुद्दे को जमकर उठाने वाली कई सियासी पार्टियां मालदा मामले पर आखिरकार चुप क्यों बैठी है? क्या ये दंगों पर एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड है? देश के सबसे बेबाक डिबेट शो इंडिया की बात में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट। बेचैनी और अशांति से भरी ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की हैं, जहां पिछले एक हफ्ते से टेंशन बनी हुई है। नेताओं की बयानबाजी के बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि दंगों को लेकर हर बार अलग अलग रूप क्यों, या यूं कहें कि दंगों पर डबल स्टैंडर्ड क्यों? दरअसल ये सवाल उठा है मालदा पहुंचे बीजेपी नेताओं की एंट्री पर रोक के बाद। हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की एक 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम मालदा पहुंची थी, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन से ही बैरंग लौटा दिया गया। अब बीजेपी इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर दंगा प्रभावित इलाके में विपक्ष की एंट्री को बैन करने के क्या मायने हैं? वो सच्चाई सामने नहीं आने देती, देना चाहती, ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। The state government have handled the situation tactfully. It's a sensitive border town. 10 arrests have been made. No injuries, no deaths. So that is tactful handling. इस बात में कोई दो राय नहीं कि दंगे किसी भी सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग होते हैं। तो फिर ये कैसी सियासत, जहां अगर ये दाग अपने हुए तो अच्छे हैं और किसी और के हुए तो बुरे? दंगे पर भी डबल स्टैंडर्ड की ये सियासत देश को कहां ले जा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है? एक ही देश में दादरी और मालदा पर अलग अलग रुख क्यों होता है? क्या सियासत में सब कुछ जायज है, या फिर चाहे उसके लिए सियासी दलों को उस जनता से भी धोखा करना पड़े जो उन्हें समर्थन देती है? द मालदा इंसिडेंट was a criminal incident. The BJP RSS in the last 1 week have tried to paint a criminal incident and try and make it to be a communal incident. अगर कोई राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने के और मामले को बिगाड़ने के लिए पहुंचता है तो राज्य सरकार को अधिकार है उनको वापस भेजें। और भारतीय जनता पार्टी का जो दल था वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा उसे रोक कर वापिस भेजा गया, तो मैं समझता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम करने के हित में था, वो ठीक किया। मालदा में विपक्ष को रोककर पश्चिम बंगाल सरकार क्या संदेश देना चाहती है, ये तो वही जाने, लेकिन सवाल ये भी है कि नेता दंगे पर क्यों रखते हैं डबल स्टैंडर्ड? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 पर सबसे बेबाक डिबेट शो इंडिया की बात। और आज मेरे साथ ग्रैंड पैनल है, सिद्धार्थनाथ सिंह, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे, शुभांकर सरकार, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी सपोर्टर सोमनाथ सिंह रॉय, संजीव उनियाल, आरएसएस थिंकर, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह। इन मॉर्निंग यू डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साफ तौर पर 5 सवाल पूछे थे, लेकिन डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव से पहले अपना कॉमनल कार्ड प्ले करना चाहती है, पूरे मामले को दंगों से जोड़ के देख रही है। व्हाट इज योर टेक? अमीश जी, कहीं क्रिमिनल इंसिडेंट है तो 3 जनवरी के पहले
जो एक मुस्लिम संगठन है जिसके तार टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करी और उसमें पर्चे भी बांटे जिसमें सांप्रदायिकता सौहार्द बिगाड़ने की बातें लिखी गई थी। तो क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि उसको रोकना चाहिए था? तो ये क्रिमिनल फिर कैसे हो जाता है? कोई मरा नहीं उन्होंने कहा, मगर वहां पे तो पुलिस स्टेशन ही जला दिया, तो पुलिस ही एकदम नपुंसक बन के बैठी हुई थी, तो वो दूसरे को क्या बचाती? और उन्होंने, डेरेक ओब्रायन ने खुद ही जवाब दे दिया, जब कोई मरा नहीं, अरे मर सकता ही नहीं था, क्योंकि आप सांप्रदायिकता का चोला पहनकर एक माहौल बनाकर अपने लोगों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्ड पड़े हैं उसका आप उसको नष्ट करना चाहते थे, जो आपने किया। सिद्धार्थ, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 5 सवाल भी पूछे, उन सवालों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अ क्विक टेक ऑन दिस, यू आर अ रूलिंग पार्टी इन कंट्री, आप सत्ता में है देश के अंदर, दादरी का भी एक इंसिडेंट हुआ और एक इंसिडेंट मालदा का भी हुआ, क्या आपको लगता है कि दोनों इंसिडेंट में दोहरे मापदंड है? जो आज इंडिया की बात में हमारा टॉपिक है, You want to say something on that, Siddhartha Singh? देखिए अमीश जी, पहले तो दो इंसिडेंट कंपेयर नहीं होते। हाँ, जहां तक कि राजनीतिक दलों को जाना चाहिए, वो दादरी में गए थे, वहां पर अपनी वहां पे रोटी सेकने गए थे, मगर तब बिहार चुनाव मालदा, मालदा के अंदर तो चुनाव थे, यहां पे भी ये 2 महीने बाद, मालदा के अंदर भी कहीं बीजेपी पे आरोप है कि रोटी, राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं, तो जहां पे 80% मुस्लिम समुदाय है तो राजनीतिक रोटी सेकने कहा जाता है, जहां आपका वोट बैंक वहीं जाओगे, तो फिर ये आरोप भी गलत हो जाएगा बीजेपी के ऊपर। @India247 पर, #India की बात पर, या फिर @AmishDevgan पर अपना फीडबैक हमें तुरंत भेजें, फेसबुक ट्विटर के जरिए हमारे साथ आप कनेक्ट करें अपनी राय देने के लिए। मैं क्विकली रुक करता हूं, मेरा टीएमसी के सोमनाथ सिंह अरॉय है। रॉय साहब, आखिरकार आप छुपाना क्या चाहते हैं मालदा के अंदर? आप जाने क्यों नहीं दे रहे बीजेपी के नेताओं को? मैंने तो यही पहले बताना चाहता हूँ, सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ यही प्रॉब्लम है, होमवर्क अच्छे से नहीं करते हैं। क्यों? वहां पर उन्होंने अभी बोला था, वहां पर जो मुस्लिम लोग इकट्ठा हुआ था वो सब तृणमूल का है, मैं और 80% मुस्लिम है वहां पर, ये बात सही है, लेकिन ये बात वहां पर जो एमपी और एमएलए है वो कांग्रेस का है, वहां पर तृणमूल का जो ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत बहुत ही कम है, ये पहले ध्यान पे रखना चाहिए। पर ये कॉम्युनल, ओके ओके ओके, लेकिन आप सोमनाथ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये कॉम्युनल राइट्स है कि नहीं है? क्या ये दंगे हैं कि नहीं है? उसके तार जुड़े हुए हैं। मैं क्या ये दंगे हैं कि नहीं है? क्योंकि ये इंडिया की बात है, सीधा सवाल पूछा जाता है, सीधा जवाब, ये दंगे हैं कि नहीं है? हमको बताने दीजिए प्लीज प्लीज मिस्टर रॉय, ये दंगे हैं कि नहीं है? एक मिनट, ये दंगे है कि नहीं है? आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे सवाल का जवाब पहले। नहीं है, ये दंगा नहीं है, दंगा होते हैं। क्यों, दादरी में फिर दंगे थे क्या? दादरी में क्या था? दादरी में क्या हुआ था? हिंदू लोग जाके एक मुस्लिम के घर पे अटैक किया, उसको मार दिया था। और यहाँ पे क्या हुआ है? बात नहीं हुआ, दादरी में भी गलत हुआ था और यहाँ पे भी गलत हुआ है। हिंदू महासभा के एक प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट के ऊपर वो मुस्लिम लोग इकट्ठा हुआ था, कोई हुलीगन आया था वहां पर, ये जला दिया, बम फैला दिया। ऐसे भी तो बीजेपी वाले ने भी किया, नॉर्थ बंगाल में स्ट्राइक का टाइम में उसका सेक्रेटरी खुद बस जलाया, वहां पर भी ऐसा ही हालत किया जो मल्लम में मुस्लिम लोग किया था। ये चल रहा है, लेकिन एक बात है, ये दंगा नहीं है। दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी ने फायदा लूटकर 71 सीट पर। ओके, नो नो, दंगा हुआ था महाराष्ट्र में। सिद्धार्थ का रिप्लाई जरूरी है, यह ममता बनर्जी के राज है, हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन है ये कैसे भी तोड़ नहीं तो सकेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह और बीजेपी वाले। ओके सिद्धार्थनाथ सिंह, एंटायर ब्लेम ऑन यू एंड योर पार्टी। पहले तो ये जो है ये राइट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब राइट्स का मतलब नहीं है, राइट्स है, आप लोग सब कुछ में राइट्स देखते हैं। अरे यार, आप शांत हो जाओ भैया, आप शांत हो जाओ, जरा सुनने की क्षमता रखो। एक कम्युनल वायलेंस एक राइट में अंदर होता है। सिद्धार्थ की वक्त को बात पूरी करने दीजिए, 1 by 1, अगर हम इसको नॉइजी डिबेट बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ को बात इनको समझ नहीं है, जब राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो एक तरफा भी होते हैं, वो जाके जलाते हैं, बसों को जलाते हैं, उसको भी राइट्स कहा जाता है। लेकिन कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस जो होता है जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है,
एक दूसरे को मार काट करते हैं, तो राइट्स में अंतर होता है, तो ये राइट्स हुए हैं। आपने बसें जलाई हैं, आपने पुलिस स्टेशन जलाया है, घरों को तोड़ा है, मंदिर पे अत्याचार करा है, ये सब चीज आपने वहां पे करी है, ये टीएमसी के शासन में हुआ है। अरे अमित जी क्यों बुलाते हो यार, मुस्लिम का जो रिलेशन है ये, नहीं नहीं दंगा नहीं हुआ, आप क्यों दंगा? ओके सोमनाथ सोमनाथ बारी बारी से सोमनाथ, आप एक अच्छे प्रवक्ता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि सिद्धार्थ अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करें। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से अगेंस्ट सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थनाथ सिंह एक आरोप यह कि आपने कैंप कर रखा है बंगाल के अंदर और पूरे ऑपरेशन को आपने लीड करा है, ये टीएमसी ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड दोनों जगह बोल रही है कि सिद्धार्थनाथ सिंह रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो ये तो अमित शाह जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बंगाल का इंचार्ज हूं, तो इसलिए मेरे को वहीं पे रहना है, यही मेरा काम है, तो मैं कर रहा हूं। और मैं कहीं टीएमसी मेरे से परेशान है तो ये भी एक अच्छा है, मेरे को थैंक यू मैं कह रहा हूं टीएमसी के लोगों को कि आप लोग मेरे का मेरा जो हुनर है उसको रिकॉग्नाइज कर। आप वो कह रहे हैं कि आप इसको दंगों की तरह इस बात को भड़काना चाहते हैं और फिर पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं। अमीर जी आई एम द फर्स्ट वन जिसने ऑन रिकॉर्ड ऑन ट्विटर हर जगह कहा है कि ये कम्युनलिज्म के ऊपर इन लोग ने सांप्रदायिकता का चोला पहनकर इनका निशाना था रिकॉर्ड्स को जलाने का, जहां पे ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बनता है। मैं सिर्फ एक ही ओके मिस्टर रॉय, आप 10 सेकंड रिप्लाई, 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का जवाब। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक डिबेट में नहीं आए, आरएसएस तक अभी तक डिबेट में नहीं आए। हाँ, एक मिनट, मैं कौन लोग की ये बात कर रहे हैं? जो लोग यहाँ पर नाथुराम गोडसे को भगवान बना रहा है, वही लोग यहाँ पर आके ये कम्युनल लाइफ कर रहा है, जो एक हुलिगनिज्म है, जो हुलिगनिज्म है वो आपका, जो लोग गोडसे को भगवान बना रहे हैं। ओके 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 ओके, मैं सीधा रुख करता हूँ। शुभंकर सरकार साहब का कांग्रेस के प्रवक्ता है, बंगाल कांग्रेस से रिलेटेड है, कांग्रेस का इस पूरे मामले पे क्या स्टैंड है? क्योंकि दादरी पे आप काफी चिंतित थे, मालदा पे भी उतने ही चिंतित हैं, या फिर यहाँ पे चिंता थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम है? जो सामने विधानसभा चुनाव है और मालदा कांग्रेस का अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन है, तो कांग्रेस का गार्ड है, ये कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए वन साइड में बीजेपी, मुझे समझ नहीं आ रहा। शुभंकर सरकार, आपको चिंता अपने वोट बैंक की है? इट इज शॉकिंग फॉर मी, मेरे लिए ये शॉकिंग है, और मुझे लगता है कि इंडिया 24/7 के व्यूअर्स के लिए डबल शॉकर होगा। आपको चिंता अपने वोट बैंक की है? आपको चिंता नहीं है वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है, वो आपको चिंता ही नहीं है? वो आपके लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है? इट इज शॉकिंग व्हाट यू आर सेइंग एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। आप इसको वापस लेना चाहते हैं? अभी दिस इज नॉट द शॉकिंग, दिस इज द शॉकिंग Those who are creating the nuisance. But आप तो बहुत अपने वोट बैंक के लिए हैं। आपको चिंता अपने वोटों की है कि कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो हिलना जाए वहां से। एंड द कॉमन पीपल, क्या कांग्रेस का वोट बैंक वहां पर चिंता है कि वहां पर लोग बच रहे, वो चिंता आपकी बड़ी? मैं अपने व्यूअर्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, आपके लिए बड़ी चिंता की बात क्या है? कांग्रेस का वोट बैंक, वहां पर लोग जो मर रहे हैं, जो परेशान है, वो बड़ी चिंता है? चिंता का बात है कॉमन पीपल ऑफ मल्ला। हेलो कॉमन पीपल ऑफ मल्ला, आपने नहीं बोला। किस लिए सफर कर रहा है सर? माफ करिए, आपने नहीं बोला। मैं आपको रिवाइंड करके दिखाने को तैयार हूँ, आपने नहीं बोला एक बार भी ये बात। सुनिए, आपने पहली बात बोली कि वो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। अरे भाई, द फर्स्ट थॉट आपका जो था वो था कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, मेरे लिए चिंता बड़ी बात है। मौसम जी ने उन्होंने एनआईए का जज, उन्होंने सीबीआई का जज मांगा है। किस लिए मांगा है? जो कॉमन पीपल उधर सफरर है, किस लिए सफरर है? जो टीएमसी का गुंडा वो लोग थाना जला देता है और बीजेपी ओके चाहता है कम्युनल का बात उठा के। मिस्टर, कोई कम्युनल का बात नहीं है, कम्युनल का बात सरकार साहब, मेरे साथ आरएसएस थिंकर भी है, मेरे साथ अतुल अंजान भी है। अतुल अंजान, क्योंकि आप लेफ्ट के नुमाइंदे हैं, जो कुछ मालदा में हो रहा है, और क्या आपको लगता है कि मालदा में जो कुछ हुआ उसके बाद एक और चीज सामने आई कि जो सेकुलरिज्म होता है वो भी वन साइडेड दिखाने की पुरजोर कोशिश होती है, और जो दंगे होते हैं उन पर भी डबल स्टैंडर्ड रखे जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप अतुल अंजान? देखिए, हम सब लोग राजनीति करते हैं और राजनीति के साथ साथ समाज को भी देखते हैं हम लोग। क्या हमारा उद्देश्य निहित स्वार्थों के लिए, संकीर्णताओं के लिए पूरे समाज और राजनीति को दांव पर लगाना है? ये नहीं होना चाहिए।
मालदा में जो घटनाएं घट रही हैं, देश के सभी लोग और वो राजनीतिक दल जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो देश की एकता को किसी भी हालत में टूटने नहीं देना चाहते। टीएमसी कह रही है बीजेपी चुनाव से पहले अपना गेम खेल रही है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी वहां पर कुछ छुपाना चाह रही है, कांग्रेस कह रही है हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है मालदा, उसको छीनने की कोशिश है ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज की, आपको बात बता रहा हूं मैं। देखिए मैं रमेश जी, अगर कोई किसी का पॉलिटिकल बेस छीन लेगा, एक एमएलए एक एमपी जिता ही लेंगे या जिताते रहे हैं, तो क्या उसे समस्याओं का समाधान? आपको क्या लगता है अतुल अंजान, आप बेबाकी से अपनी बात रखिए, आपको लगता क्या है, स्टोरी क्या लगती है आपको, एंड व्हाट इज योर ऑफिशियल स्टैंड ऑन दिस? सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी शक्तियां वहां अपने अपने निहित स्वार्थों के लिए काम कर रही हैं, जो वहां के राजनीतिक सामाजिक जो राजनीतिक दल है वो जिम्मेदार है असहिष्णुता न पैदा हो, समाज में हर तरह की उपलब्धियों को इस तरह से रखा जाए कि नफरत न पैदा हो, चाहे वो इस पार्टी के हो चाहे उस पार्टी को हो, जरूरत इस बात की। थैंक यू मिस्टर अंजान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थनाथ सिंह, मैं आपके पास सीधा आता हूँ, आज आपने बड़े सारे सवाल खड़े करे, लेकिन एक बड़ी बात थी कि जाली नोटों का वहां पे पर्दाफाश होने वाला था, उसके बाद वहां पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहां पर कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, ये तमाम चीजें अगर चल रही हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, गृहमंत्री राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो आपको लगता नहीं है कि बीइंग अ रूलिंग पार्टी नेशनल सेक्रेटरी आप एक्शन करवा सकते हैं? नहीं देखिए, इसमें यही तो आप यही तो मसला है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर एनआईए ने कुछ देश भर में अरेस्ट किए थे, आईएसआई के कुछ लोगों को भी किया था, और कुछ और जो फेक करेंसी जहां पकड़ी गई तो वो अरेस्ट है, सबके कहीं ना कहीं तार मालदा में हुए। ये बंगाल के गृह सचिव के साथ एनआईए ने बैठ के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर्स में रिपोर्ट्स भी हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस मालदा के फेक करेंसी रैकेट को बस्ट करें, इसका निर्णय कुछ दिसंबर के महीने में भी बातचीत हुई, और जैसे ही दिसंबर आई आप 3 जनवरी में एक सांप्रदायिकता की आड़ के तहत जहां पे ये डॉक्यूमेंट अधिकांश होने चाहिए जो जानकारी मिल रही है कौन कर रहा है, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन कर रहा है आप बताइए? देख ये जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसका संरक्षण होएगा, नहीं उन लोग जो सांप्रदायिकता माहौल बिगाड़ने के लिए एक बहाना ढूंढते हुए 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया। लेकिन आपको लग नहीं रहा सिद्धार्थनाथ सिंह, आप अपनी सरकार को बेचारा दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं लेकिन केंद्रीय सरकार एक्शन नहीं ले पाती। कमाल कर रहे हैं आप भी अमीश जी, एनआईए जब करेगी, एनआईए जब काम कर रही है, 15 को अरेस्ट करा है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो रिकॉर्ड्स कहीं जला दिए जाएंगे तो कोर्ट में कौन जाके उसको प्रूफ करेगा? सोमनाथ सिंह रॉय, आप किसी को बचाना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं, क्विकली जवाब दीजिए। अमित जी मैं एक बात बता रहा हूँ, मालदा बांग्लादेश बॉर्डर में है, बांग्लादेश से ज्यादा जाली नोट मालदा में घुसता है, बंगाल में इंडिया में घुसता है, लेकिन आप ये बात बोल रहे हो और आपकी सरकार आप एक्शन नहीं ले रहे। आप बताइए, केंद्रीय सरकार कह रही है कि फाइलें जल गई हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पर जाली नोट आते हैं, पर फिर भी आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप लोग इतने बेचारे क्यों हैं? इंडियन बॉर्डर में अमित जी इंडियन बॉर्डर में बंगाल का पुलिस नहीं है, बीएसएफ वाले है, बीएसएफ वाले कैसे ये लोग को घुसना दे रहे हैं, ये भी मुद्दा हम लोग तो उठा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ओके ये तो हमारा भी क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं आपकी सरकार है, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, आपकी सरकार है बंगाल के अंदर भाई, बीएसएफ हमारे सरकार किसकी है बंगाल के अंदर, आपकी बीएसएफ आपकी सरकार है या कांग्रेस की सरकार है बंगाल में? बॉर्डर में बीएसएफ का काम है, बॉर्डर में बंगाल का पुलिस नहीं है। ओके आप कह रहे हैं सेंटर नहीं कर रहा, सेंटर कर रहा है स्टेट नहीं कर रहा, नुकसान किस तौर है आप सब समझते हैं, इकोनॉमी का भी नुकसान है ये। ओके आरएसएस थिंकर, ओके हमारा टॉपिक है क्या दंगों पर डबल स्टैंडर्ड होते हैं, आप क्या कहते हैं उनियाल साहब, संजीव उनियाल? धन्यवाद, मुझे काफी टाइम बाद बोलने का मौका दिया। मैं सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, मैं हैरान हूं कि आपने होमवर्क कहा किसी पार्टी के लिए कि आपने होमवर्क नहीं किया, क्या टीएमसी के लोगों ने होमवर्क किया? 1 लाख लोग आपकी नाक के नीचे इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरेआम पूरी स्टेशन को जला दिया, क्या क्या एजेंडा लेकर वो अपने साथ चल रहे थे, और आर्म्स और एम्यूनिशंस को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, कुछ खास तरह के दस्तावेजों को उन्होंने जलाया, क्या आपके पास कोई होमवर्क नहीं था? अभी एक अतुल अंजान साहब मेरे सामने हमारे साथ आए हुए थे, उनका रिएक्शन देखने लायक था, क्या क्यों इस तरह का रिएक्शन देना चाहते हैं वो, क्या कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है? दादरी में जो अवार्ड वापसी के कांड हुए, जो लोग उनके लिए सिर जड़ जड़ के बोले जा रहे हैं, दंगे, 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 दंगे,
दंगे तो दंगे है, अगर दादरी में गलत हुआ तो दादरी में भी गलत है, मालदा में गलत हुआ तो मालदा में भी गलत है, पूर्णिया में गलत होता तो पूर्णिया में भी गलत है। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे इस बात का रॉय साहब जवाब, आरएसएस थिंकर की बात का जवाब, समाज में भी 1 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं मुस्लिम लोगों का, ये नया नहीं है तो चलने दे, मतलब नया नहीं है पुराना है तो चलने दे। सर बहुत बढ़िया, आप कह रहे हैं नया नहीं है पुराना है तो चलने दे, क्या कह रहे हैं आप? कौन सा पुराना चलने दिया? नहीं आप, ये एक लाख आदमी इकट्ठा होना नया नहीं है। ओके, नया नहीं है मुस्लिम, आपके पास पूरा तंत्र है, एक स्टेट के पास पूरा तंत्र होता है, उसे पता होता है कि ये किस तरह की भीड़ किस तरह की मंशा के साथ जा रही है। शुभांकर सरकार क्या आपको लगता है? ओके रॉय साहब, आपने अपनी बात कह ली, कांग्रेस प्रवक्ता को आने दीजिए। मिस्टर रॉय, यू मेड योर पॉइंट, रॉय साहब आपने अपनी बात कही। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरी की तरह पूरी पूरा का पूरा प्रोटेक्शन स्टेट सरकार का है, यहाँ दादागिरी भी चल रही है और दीदीगिरी भी चल रही है। ओके ओके ओके, मेरा जो आज डिबेट का टॉपिक है, मैं डिबेट के टॉपिक पे आता हूँ, आखिरी 2 मिनट मेरे पास है इंडिया की बात में, लास्ट 2 मिनट। ओके सर, सर यू मेड योर पॉइंट, सर मुस्लिम का जो रिलेशन है किसी में, रॉय साहब कर लीजिए, इसको बोल नहीं सकेंगे आप लोग। रॉय साहब मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाता हूँ और फिर सिद्धार्थनाथ सिंह की बात, सोमनाथ सिंह रॉय, क्या आपको लगता है कि दंगों को लेकर बड़े तौर पर डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए हैं? ये दंगा नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, ये दंगा नहीं है, दंगा नहीं है, दंगा नहीं है, दंगा शब्द पहले विडो कीजिए, इसका बाद आप लोग ये डिबेट में आइए, ये दंगा नहीं है। ओके, दंगा ने भी बताया, जो हिंसा हुई, जो भी हिंसा हुई, ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट, हिंसा ये ठीक है, हिंसा का मतलब यू मेड योर पॉइंट, होल्ड ऑन मिस्टर रॉय, जितना तक आप इतना उत्तेजित मत होइए। शुभांकर सरकार, क्या आपको लगता है कि दंगों की दो परिभाषाएं हैं? ओके, यू गो एट मिस्टर सरकार, क्या बोलेंगे बताइए। हेलो, बताइए सरकार साहब। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज स्टेट में टीएमसी सरकार है, केंद्र में बीजेपी। मेरा सवाल है दंगों, तो क्या दंगों पर डबल स्टैंडर्ड है? दादरी और मालदा में हमें ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिले, सवाल मेरा ये। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जे आप देखिए थाना को जला दिया गया, तो स्टेट पुलिस का जो एक्शन लेना चाहिए था वो क्यों नहीं ले रहा है? जाल नोट का कारोबार चल रहा है, उधर आज जो बीजेपी भी क्या कर रहा है, सेंटर में उनका पावर है, होम मिनिस्टर का पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है क्या? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या प्रेसिडेंट दंगों को लेकर, दादरी और मालदा को लेकर डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? सिद्धार्थनाथ सिंह, फाइनल क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है और वो दिख रहे हैं? फाइनल क्वेश्चन टू यू एंड योर लास्ट टेक ऑन दिस इशू। कोई दंगा नहीं है, एक कमुलाल नाइट नहीं है, एक गुंडाइज्म है। ओके, मालदा का एक गुंडा। ओके, लेट सिद्धार्थ क्लोजिंग रिमार्क, मालदा और दादरी में जहां तक कि राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो विषय है, उसको जो मालदा है उसमें ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्यों उसपे पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के अलावा कोई संवेदनशील नहीं है, क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए टीएमसी बनी जाती है वही वोट बैंक के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम भी उसी की लड़ाई कर रही है, इसलिए कोई वहां पे जाएगा नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द पैनलिस्ट, प्लेजर हैविंग यू, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव उनियाल, सोमनाथ सिंह रॉय, शुभांकर सरकार, सिद्धार्थनाथ सिंह। तो ये थी आज की इंडिया की बात, सबसे बेबाक डिबेट शो जहां पर हम आपके मुद्दे उठाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। अंत में कंक्लूजन इतना ही, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करेंगी लेकिन हमें सचेत रहना है, देश को सचेत रहना है, हमारे व्यूअर्स को सचेत रहना है कि आप उनकी बातों में ना आए।